हेलो जय गुरु देवी सा, हमारे चैनल राजपूत रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फिर चलिए, फिर से एक नया दिन, एक नया सवेरा और शुरुआत हो चुकी है हमारे एक नए ब्लॉग की। बस कुछ नहीं, अभी मैं टेरिस पे आई हुई हूँ और यहाँ पे कौवे काऊं काऊं कर रहे हैं। और तो ज़्यादातर तो यहाँ पे कौवे ही आते हैं, ऊपर चिड़िया आती ही नहीं है। तो मैंने उनके लिए पानी भर दिया और यहाँ पे थोड़े से वो छोटे छोटे जो चावल होते हैं वो दे दिए, अगर चिड़िया आई तो खा लेगी। और शुरुआत करते हैं हमारे ब्लॉग की, और आप लोग भी बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और यहाँ पे मैंने रोटी के लिए आटा लगा के रख दिया है, और कल हमने तुवेर की दाल बनाई थी तो आज हम ये मोगर बनाएंगे पीली। तो इसके लिए इसको यहाँ पे सुबह सुबह में भिगो दिया, और ये यहाँ पे मैंने फ्रीज से रेंगन बाहर निकाल लिए। और अभी विचार में है कि इनकी कट करके सब्जी बनाएं या भर के। और आटा देखो थोड़ा सा गीला हो गया, तो मैं ये पलोथन में से थोड़ा सा ले लूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसको वापस से रख दूँगी। यहाँ पे रेंगन की सब्जी बन के हो गई रेडी। वो सोचने विचारने के बाद में हमने इसे ऐसी कुकर में डायरेक्ट बना दी सब्जी को। ये इतने बड़े बड़े रेंगन और आलू बैंगन और आलू काटे और ये सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। और ये सुबह में दाल जो भिगोई थी अब भीग चुकी है, अब इसकी बना देंगे दाल। कल हमने तुवेर की दाल बनाई थी, आज हम ये मोगर बनाएंगे। सुबह में भिगो थी इसलिए भीग गई, नहीं तो इसको उबाल के भी बना सकते हैं चावल के साथ में। यहाँ पे चढ़ा दिया पैन और पैन में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया। इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक टमाटर चॉप कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन कूट लिया, और ये हरी मिर्च और धनिया और लहसुन की पेस्ट जो हम लोग फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, इसमें हम ये हरी मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च में नहीं बनाएंगे, चावल के साथ में बना रहे हैं इसलिए। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया जीरा, थोड़ी सी राई और ये थोड़ी सी हींग। ये लहसुन थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, मिक्स कर देंगे। अब ये भिगोई हुई दाल इसके अंदर डाल देंगे। पूरी दाल डालने के बाद में इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद में इसको उबलने के लिए रख देंगे। और अभी यहाँ पे दाल थोड़ी उबल रही है, अभी इसको 10 मिनट लगेंगे बनने में। इसके लिए मैंने साथ में चावल बना दिए। ये मैंने आज बनाया जीरा राइस, ये अंदर जीरा डाला हुआ है। मैं मटर डालना भूल गई थी, तो अब मैं ऊपर से इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे चावल भी अब बनने के लिए रख दिए। आज बच्चों की स्कूल जल्दी छूटेगी, वो भी आने वाले तक। मासी जी क्या कर रहे हैं? देख मासी, जय गुरुदेव, क्या देख रही है? हाँ कल, अच्छा कल मासी के गांव में और मेरे ननियाल में आए थे गुरुदेव। नानोसा के यहाँ पे तो फर्स्ट बार आए ना घर पे, बहुत अच्छा स्वागत किया था वहाँ पे कल, है ना? कल रात को रुके थे, चले गए? 11 दिन तो चले गए। अच्छा, तो मासी वही देख रही है। और ये देखिए दाल बनकर हो गई रेडी। इसमें से हमने ऊपर से ये हरा धनिया डाल दिया, और खटाई के लिए अब ये इसमें नींबू काट के निचोड़ देंगे। और ये दाल बनके हो गई रेडी। और अभी सारा काम हो गया, सबने खाना वगैरह खा लिया। ये देखिए यहाँ पे पूरे किचन की भी क्लीनिंग डस्टिंग हो गई, साफ सफाई। और यहाँ पे हाउस हेल्पर भी अपना काम कर रही है, ये उसका लास्ट काम है पोछा मारना। बस अभी है हमारा रेस्ट टाइम। और अभी हमने चाय वगैरह पी ली, और यहाँ पे ये ममरे वगारती थे, बच्चों को भूख लगी थी तो यहाँ ज़्यादा थे वो डब्बे में भरती है। और यहाँ पे यूवी एंजॉय कर रहा है अपने ममरे। और आज रात के डिनर में हम लोग बना रहे दाल ढोकली, जिसके लिए यहाँ पे हमने पालक, मेथी और धनिया तीनों काट ली है। आज हम पालक मेथी की ढोकली बनाएंगे। और साथ में लिया है यहाँ पे ये आधा बाजरी का आटा और आधा गेहूँ का आटा। बस अभी इसमें सारे मसाले डाल देंगे और बनाएंगे दाल ढोकली। और आटे में मैंने डाली थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर, और साथ में ये हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, नमक और थोड़ा सा तेल, और ये थोड़ा सा सोडा। और अभी आटे में सारे मसाले डाल दिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पालक मेथी जो इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा मिक्स कर दिए, अब इसका लगा लेंगे आटा। यहाँ पे ये ढोकली का आटा लगकर हो चुका है रेडी। और पहले इससे पहले ढोकली बनाएंगे, तब तक पहले यहाँ पे चढ़ा दिया कुकर, उसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है।
और ये यहाँ पे कूट लिया लहसुन, और तेल गर्म हो गया, इसमें ऐड कर देंगे जीरा, ये राई, ये हींग, और इस लहसुन में ही हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, वो जो नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और एक टमाटर भी अंदर काट लिया। अब ये मसाला अंदर पका लेंगे, और थोड़े से ये सींग जाने, और ये कड़ी चिली के पत्ते, और ये जो मसाला रेडी किया वो अभी अच्छे से पका लेंगे। और ये मसाला अच्छे से पक गया, तो अब इसमें हम ये जो पालक मेथी वो आधे आटे में डाले और अब आधे इसमें मिक्स कर देंगे, और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इसमें पानी ऐड कर देंगे उबालने के लिए। ये यहाँ पे देखिए पानी भी उबल गया और साथ में दाल भी उबल गई है, और साथ में हमारी ढोकली भी बन गई। ये आटा हम उसकी भाकरी बनाएंगे, इसलिए इतना सा आटा रख दिया। और यहाँ पे मासी अब एक एक करके सारी ढोकली इसके अंदर डाल देगी। हम कुकर में बनाते हैं दाल ढोकली, तो बस सारी ढोकली इसमें डाल देंगे। इसका मतलब ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही उबालेंगे, सीटी नहीं लेंगे कुकर में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे धीमे। अब ये ढोकली बनती रहेगी। बस अभी देखिए दिन पूरा ढल चुका है और शाम हो गई, और ये देखिए बच्चे इस रूम में अभी पढ़ाई कर रहे थे, और ये रूम का दरवाजा भी इन्होंने बंद नहीं किया, सारे मच्छर अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे तुलसी माता, अब मैं कर देती हूँ दरवाजा बंद। यूवी, ये दरवाजा क्यों बंद नहीं किया? वो तू उस रूम में पढ़ाई कर रहा था तो वो दरवाजा क्यों बंद नहीं किया? सारे मच्छर आ जाएंगे अभी अंदर। आराम से झूले पे सो गया, झूला झूलने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं होता है। यूवी, शाम होते ही पहले दरवाजा बंद किया कर। हम लोग किचन में काम कर रहे थे और तूने दरवाजा खुला छोड़ दिया, गर्दन मत हिलाई हूँ। नेक्स्ट बार ऐसा मत करना है। और चल दियावती का टाइम हो गया, सो मत। और यहाँ पे मासी जी क्या कर रहे हैं? मासी दियावती नहीं करे, कोई शाम रहेगी हमें तो अंदर। अच्छा क्या फ्रूट लाए? सब खराब हो जाएंगे, केले तो अभी कल तो लाए थे, अभी तो कम ही खाते हैं ना फ्रूट, तो बच्चे ज्यादा इतने क्यों मंगाए? तो फिर अच्छा चल अभी ढोकली की अपडेट देते थे, दे देते हैं मतलब। ये देखिए ढोकली की अपडेट, ढोकली हमारी खतबत कर रही है मतलब। हम ऐसी खतबत ना। बस अभी ये इसको धीमे कर रखा है, इसलिए धीरे धीरे बनती रहेगी, और तब तक मैं थोड़े से बर्तन क्लीन कर दूंगी। यू ये दरवाजा बंद कर ले, अंदर मच्छर आ जाएंगे। तो बस मासी जी अभी यहाँ पे कर रहे हैं शाम के दियाबती। तो इसी आरती के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।